गाइस एक 15 रुपए के लिए देखो ये कैसे घूमे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ सुबह के 11 बजे से। तो गाइस आज हमारे पास है ये गिफ्ट। तो गाइस ये मात्र 9 रुपए की सेल में हमने लिया है। तो आपको दिखाता हूँ कैसा है और इसमें क्या है। इसमें है एक साबुन, तो जो हमने 9 रुपए की सेल से मंगाया है। तो देखते हैं गाइस कैसा आया है। तो बहुत ही मस्त होने वाला है, देखते हैं। वैसे तो बहुत ही बढ़िया दिखा रखा था उसमें। देखो खुलते हैं 9 रुपए का साबुन, देखते हैं कैसा आया है। तो गाइस चलो से खोल रहा हूँ। खुल गया। अरे गाइस ये देखो डब्बे खाली हैं इसके और साबुन बाहर आए हैं। देखो गाइस कितने मस्त साबुन है इसके अंदर। इसको खोलते जरा, इसके अंदर है साबुन। ये देखो गाइस 9 रुपए की सेल में ये साबुन आए हैं, तो मस्त लग रहे हैं। तो गाइस चलो 9 रुपए के साबुन तो आ गए हैं, और एक और मंगा रखा था वो आया नहीं अभी, तो वो 2-3 दिन बाद आएगा। अभी रात को 8 बजे से खुलता है गाइस, 8 बजे बाद खुलती है वो सेल। 9 रुपए का सामान मिलता है इसमें, सारी चीज़ें कभी कभी मिलता है पर ऐसी चीज़ मुझे मिलता है। तो गाइस चलो मुझे थोड़ा सा काम करना है, तो मैं अपना काम कर लेता हूँ। इजय को हमने दवाई दे दी है और अब दिन का खाना मानसी बनाएगी भी। तो चलो तब तक अपना मैं काम करता हूँ। यहाँ भी देखो इजय में इसमें भी आए हुए हैं अभी। चलो अभी हम थोड़ी देर टीवी देख रहे हैं, मानसी ने खाना रख दिया है तो अभी बन जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर खाते हैं हम खाना। मंजू जी तो ड्यूटी गई है और यहाँ कन्नू सोई है, इसी दुकान में है। हम लोग 3 लोग टीवी देख रहे हैं। चलो हमारा खाना लग गया है तो खाना खाते पहले। इस खाने में आज आलू और तुरई की सब्जी और चावल, तो चलो जल्दी से खाते हैं। गाइस अभी मौसम फिर से बारिश का हो गया, पता नहीं बारिश आ भी सकती है। गाइस चलो खाना तो खा लिया हमने और ये तो सो भी चुकी है। देखो जैसे खाना खाया कैसे लग भी हो गई है। जैसे भैंस सो जाता है वैसे सो गई है, तो ये काम भी कुछ नहीं कर रही आजकल, पता नहीं क्या हो गया। सुबह सारे घर का काम मैंने किया, दुकान का भी मैंने किया है। अभी लात दूंगी ना वही छटके का, सीधे चावल किसने धोके रखे, खीरा किसने काटा, अभी कुछ भी काम नहीं कर रहे। तो गाइस चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर अभी मुझे जाना है ड्यूटी शाम के टाइम। तो चलो उठने के बाद मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय। तो गाइस 4 बज चुका है और मैं उठ चुका हूँ। तो चलो गाइस अब तैयार होता हूँ ड्यूटी के लिए, फिर निकलता हूँ ड्यूटी के लिए। तो सब लोग अभी सो रहे हैं तो इन्हें सुन देता हूँ। तो चलो मैं तैयार होता हूँ फिर चलता हूँ। चलो मैं तो हो चुका हूँ तैयार और गाइस इसको उठा रहा हूँ, ये उठ नहीं दिया। तो यहाँ इजा और मानसी हैं, पन्ने दुकान में बैठी है, उसने मेरा पर्स भी ले रखा है, उसके 10 रुपये ले लिए थे मैंने, तो अब उससे लेना पड़ेगा पर्स। गाइस अभी मैं कन्नी से पर्स मैंने ले लिया है जैसे तैसे, और इसके मैंने 15 रुपये ले रखे हैं जो अभी से कभी नहीं मिलेंगे। आप तुझे कभी नहीं मिलेंगे तेरे 15 रुपये। तो गाइस एक 15 रुपये के लिए देखो ये कैसे घूमे। 17 है वो, तो इससे आज नहीं मिलेंगे पैसे ऐसे कुछ। माँ कर नोटिंग मत कर, छोड़ूंगी। इसने गाइस मेरा सुबह से पर्स लिया था और अच्छी नहीं है, नोटिंग मत कर दे, मत कर। हाँ जी मेरा पर्स लेके फिर से भाग गए। ला दे दे, दे रहा हूँ ले, चल एक हाथ से दे और एक हाथ से ले। मैं तेरे विश्वास के इतने विश्वास घोट किया, घोट किया, घाट किया। ले 15 रुपये, तो गए 17 रुपये, 16 रुपये हैं। है 2 रुपये थे वो, 1 रुपये था ये, कितने चालू है तू भगवान का समय की। तो गए मैंने इससे कब से लिए थे, ले ले चल ले तेरे पैसे और वो पर्स दे, पर्स दे मम्मी के संग दे, पहले मेरा 1 रुपये दे भगवान का, मैंने लिया विद्या के संग। तो गाइस चलो जब तक ये मुझे पर्स नहीं देगी। कालू क्यों नोटिंग कर रही है ओए, जैसे कोई बात करेगा कालू से। मैंने दे दिए तुझे, नोटिंग मत करा बस, मेरा 1 रुपये भगवान का संग मैंने नहीं लिया, उसी में ऐसे भगवान का संग मेरे 2 रुपये थे। आप दे, तो गाइस ला दे, आप दे दे, मैं जा रहा हूं। तो गाइस 1 रुपया मैंने लिया ही नहीं, मम्मी मेरे 1 रुपये ले लिए।
इसमें एक ही रुपया था पहले तो, एक बताओ 16 ही रुपए थे। तो चलो गाइस अब मैं चलता हूँ ड्यूटी को। हेलो भाई, तो चलो गाइस जिया को देते हैं दो आम, अपने आम खाती है। हाँ बैठते हैं, तो चलो गाइस अब चलता हूँ ड्यूटी। गाइस मैं जा रहा हूँ अभी साइकिल लेके, तो कोशिश करूँगा जल्दी आने की शाम को। तो चलो गाइस चलता हूँ ड्यूटी को। मानसी मुर्गी खोल देना, मैं चले गया भाई। तो गाइस चलो मिलते हैं आपको आने के बाद घर, तो तब तक लग के बाय बाय। तो गाइस 9 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ गाइस घर, और यहाँ ये लोग टीवी देख रहे हैं। तो चलो पहले जूते वूते उतारता हूँ कि मैं भी देखता हूँ थोड़ी देर मस्त करके टीवी, बहुत थकान लगी है, बहुत दूर से आ रहा हूँ। गाइस कन्नू सब्जी काटती है, मानसी बना रही है अभी खाना, रोटी बना रही है। तो चलो अभी रोटी वोटी बन रही है, तब तक मैं तो आराम करता हूँ क्योंकि बहुत दूर से साइकिल चला के आ रहा हूँ। तो गाइस यहाँ देखो मानसी क्या बना रही है, एकदम मस्त। ये देखो गाइस इसने बना दिया, क्या बना रही है वैसे, सोफे वाला कमरा बना रही है। तो गाइस ये बना रही है ड्राइंग रूम, तो ये किसी बच्चे का प्रोजेक्ट बना रही है। ये देखो जितने भी बच्चे होते हैं ना सारे इससे बनवाते हैं, आधे से ज़्यादा। मस्त लग रहा है यार, वैसे बहुत मस्त बनाया गाइस। देखो ये एक सोफा, ये मुझे लग रहा है मानसी ने हमारा ये देख के ड्राइंग रूम देख के बना दिया क्या हमारा वाला। हमारे पास भी यही सोफे है ना, देखो गाइस एक बड़ा वाला सोफा और इसके साथ दो, और एक टेबल भी है साथ में बस, और नीचे टाइल है वही बना दिया इसने सारा। अब इसके ऊपर घर भी बना दे, कितना मस्त लग जाएगा। लाइट चली गई है और मानसी का प्रोजेक्ट भी आधा ही रह गया। अब चलो इसमें आप घर बनाना कैंसिल हो गया क्योंकि लाइट चली गई है, पता नहीं कब तक आएगी। अभी लाइट गई हुई है तो सब लोग यहाँ घूम रहे हैं और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। ये देखो तो मस्त सा मौसम हो रहा है, बस लाइट गई हुई है, लाइट भी आ जाती और तूफान भी आ रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो गाइस यहाँ नोटिंग करने में लगे हैं, देखो लड़ाई कर रहे हैं यहाँ। चलो मैं अंदर कर दिया। मत कर, छिची क्या लग गया गोबर। तो गाइस यहाँ देखो इन दोनों की नोटिंग, और यहाँ इतने लोग देख रहे हैं। ये मुझे घर को ले जा रही है ये, जबरदस्ती मत कर, छोड़ आ रहा हूँ, चल फिर आ रहा हूँ मैं, छोड़ दो। तो गाइस चलो ये आ चुके हैं अंदर अब। गाइस चलो खाना वाना बन गया है, लाइट आने के बाद हम खाना खाएंगे, पता नहीं आएगी नहीं आएगी अब लाइट। चलो आलू बड़ी की सब्जी बनी है, तो चलो हम सब लोग खाने लगे, लाइट तो आने वाली है नहीं, पता नहीं। तो गाइस 11 बज चुके हैं और गाइस लाइट तो आने वाली है नहीं, तो चलो गाइस हम सोते हैं। इजा यहाँ बेड में सो रही है और लोग पहली तरफ सो रहे हैं, और मानसी यहीं सोएंगे, यहाँ कन्नू हमारे बिस्तर में सो गई है। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी सोते हैं और जल्दी जल्दी सुबह उठना भी है, बाहर बारिश हो रही है, लाइट का पता नहीं आएगी नहीं आएगी। तो चलो आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।